गुड मॉर्निंग। देखिए, जब वायु गर्म होती है तो वो फैलती है, अर्थात चारों ओर फैलती है। गर्म होकर वो क्या होती है, फैलती है और हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है। देखिए, जिसमें वजन कम होता है वो ऊपर ही रहता है ना, तो उसी प्रकार जो हल्की वायु है अर्थात जिसमें वजन नहीं होता है वो भी क्या होती है, ऊपर उड़ती है। और ठंडी वायु क्या होती है, सघन होती है और भारी होती है, अर्थात वो नीचे बैठी रहती है, इसलिए वो नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात हम सीधा ये कहें, जो गैसें गर्म होती है और हल्की होती हैं वो वायुमंडल में ऊपर की ओर होती है, ठीक है, और जो गैसें ठंडी होती है और जो भारी होती है वो गैसें धरातल के आसपास बनी रहती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। देखिए क्या होगा, जब गर्म वायु ऊपर उठ जाएगी तो वो स्थान खाली हो जाएगा, उस स्थान को भरने के लिए जो ठंडी वायु है वो क्या करेगी, ठंडी वायु उस स्थान को भरने के लिए दाब लगाएगी और इसे वायु चक्र चलता रहता है। इसके द्वारा ही हवाएं चलती रहती है। हवा चलती कैसे है, तो उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जो हवा की गति होती है उसे हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे आज वायुमंडल की संरचना। तो देखिए, हमारी वायुमंडल की जो परतें हैं उन्हें हम पांच भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, पांच भागों में बांटते हैं। अर्थात हमारे वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, पांच भागों में या पांच परतों में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले सौरमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यम मंडल, फिर बाह्य मंडल, जिसे हम कहते हैं आयन मंडल। क्या कहते हैं, आयन मंडल, ठीक है। अब देखिए, और लास्ट है वायुमंडल। तो सबसे पहली परत पढ़ेंगे हम सौरमंडल। तो ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है ये, ठीक है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 13 किलोमीटर है, कहीं कहीं 15 किलोमीटर भी देखने को मिलता है, तो हम लगभग 13 से 15 किलोमीटर इसमें करेंगे। तो लगभग 13 किलोमीटर इसकी ऊँचाई होती है। हम इसी मंडल में मौजूद जो वायु होती है उस वायु को सांस लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन, अर्थात हम इसे बोलते हैं O2। क्या बोलते हैं, O2। O2 गैस का मतलब है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इस परत में मौसम की जो घटनाएं हैं वो होती है, अर्थात सभी जो मौसमी घटनाएं हैं वो कहाँ घटित होती है, वो सौरमंडल में घटित होती है। अब मौसमी घटनाएं कौन सी होती है, जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टन अर्थात जिसे हम बोलते हैं ओले गिरना, वर्षा के साथ में ओले गिरना, ठीक है। इसके अलावा बादलों का निर्माण होना, ठीक है, बिजली चमकना, ये सब किस में आते हैं, वो इसी में आते हैं, ठीक है, अर्थात सौरमंडल में पाए जाते हैं। तो सौरमंडल सबसे महत्वपूर्ण परत हो गई, इसमें मौसमी घटनाएं होती है, इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर होती है, इसमें हम जो हमारे लिए जीवनदायिनी गैस है O2 वो इसी में पाई जाती है, ठीक है, और ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है ना। अब इसके बाद में दूसरा स्थान है वो है समताप मंडल का। वो किसका है, समताप मंडल का, नाम से ही पता लग रहा है। ये जो समताप मंडल है इसका जो मौसम है, इसका जो तापमान है वो एक समान होता है। सौरमंडल के ऊपर का जो स्थित भाग है उसे हम सौरमंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं, और ये लगभग 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। देखिए, 13 किलोमीटर तक तो सौरमंडल हो गया, और उसके बाद में 13 से 50 किलोमीटर के मध्य समताप मंडल होता है, ऊंचाई तक फैला है। ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, अर्थात इसमें बादल भी नहीं होते और किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं या मौसमी संबंधी जो घटनाएं हैं वो भी नहीं होती। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए क्या होती है, आदर्श होती है, आदर्श मानी जाती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। इसमें क्या होती है, ओजोन गैस की परत होती है, और ये जो ओजोन गैस की परत है ये सूर्य से आने वाली
जो हानिकारक किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। तो समताप मंडल के बारे में हमने क्या पढ़ा, समताप मंडल के बारे में पढ़ा कि इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 13 से 50 किलोमीटर है, ये सौर मंडल के ऊपर पाई जाती है, इसमें बादलों का निर्माण नहीं होता, मौसमी घटनाएँ नहीं होती, यहाँ पर जो वायुयान है वो उड़ते हैं और यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए तीसरा जो मंडल है वो है मध्य मंडल। तीसरा मंडल कौन सा है, मध्य मंडल। ये वायुमंडल की तीसरी परत है, ये वायुमंडल की कौन सी परत है, तीसरी परत है और समताप मंडल के ठीक ऊपर पाई जाती है। तीसरी परत है और समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है। पहला तो हो गया सौर मंडल, दूसरा हो गया समताप मंडल और तीसरा हो गया मध्य मंडल। ये ऊँचाई के अनुसार ही है, इसकी ऊँचाई लगभग 80 किलोमीटर पाई जाती है। अच्छा 50 किलोमीटर तक तो समताप मंडल हो गया और 50 से लेकर 80 के बीच में मध्य मंडल हो गया। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इसी परत में जल जाता है और नष्ट हो जाता है। अर्थात आसमान से, अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से जो उल्कापिंड टूट कर आते हैं वो इस मध्य मंडल में जल कर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे वायुमंडल, जिसे हमने एक नाम और दिया था आयन मंडल। अब देखिए बाह्य वायुमंडल में जो बढ़ती ऊंचाई है उसके साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, अर्थात तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, आयन मंडल क्या है, इस परत का एक भाग है। ये 80 से 400 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। अर्थात 80 किलोमीटर तक तो मध्य मंडल हो गया और 80 से 400 किलोमीटर के मध्य ये परत पाई जाती है और ये रेडियो संचार के लिए एक महत्वपूर्ण परत है। अर्थात जो हमें मौसम की जानकारी मिलती है, टेलीविज़न, रेडियो, दूरदर्शन, ये जो इनका जो संचार है ना वो इसी परत के माध्यम से होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो एक्टिव तरंगें यहाँ से टकराकर कहाँ जाती है, वापस पृथ्वी पर आ जाती है, परावर्तित होकर पृथ्वी पर आ जाती है। तो ये रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण परत है। इसके बाद में पढ़ेंगे बहिर्मंडल, ये सबसे ऊपर की परत है, सबसे ऊपर की परत बहिर्मंडल है। ये वायु की सबसे पतली परत है, हल्की गैसें होती है जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर ये पाई जाती है। ओके,